जो सीएम मटेरियल नहीं बन पाया वो पीएम मटेरियल कहां से बनेंगे भाई, मॉडल ना बताना होगा। ये कौन सा बिहार का मॉडल दिखाएंगे 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कि बिहार में हमने अपराध को बढ़ाया, बिहार में हमने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, बिहार में किसान को बाढ़ सुखाड़ से हमने मारा। और वो भी तो अब धीरे धीरे अपने चाचा की संगति में आकर पलट ही रहे हैं भैया। उन्होंने भी तो कह दिया कि मैं तो अभी उप मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री बनूंगा तब दूंगा। हाँ तो दो 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 जो 2005 में आए थे वो 2024 और 25 में कहाँ रहेंगे, अपना भी भविष्य बता दीजिए भैया। इतने ही भारी भविष्य वक्ता बने हुए हैं तो पहले अपना भविष्य सुधारने के लिए ही ना उस तरफ गए हैं कि भैया अगर हम प्रधानमंत्री मटेरियल बन जाएं, पीएम के दावेदार विपक्ष से बन जाएं तो शायद उनका भविष्य कुछ बच जाए, अदरवाइज बिहार में तो कुछ बचा नहीं। हकीकत है भैया, जो सीएम मटेरियल नहीं बन पाया वो पीएम मटेरियल कहाँ से बनेंगे भाई, मॉडल ना बताना होगा। देश की जनता आपको क्यों चुनेगी भाई, पीएम को क्यों चुना, मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया, कम ज़्यादा डिबेटेबल, उस पर आप बहस कीजिए कि अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहस कीजिए, पर उन्होंने एक मॉडल दिखाया। ये कौन सा बिहार का मॉडल दिखाएंगे 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कि बिहार में हमने अपराध को बढ़ाया, बिहार में हमने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, बिहार में किसान को बाढ़ सुखाड़ से हमने मारा, मजदूरों को हम लोगों ने मारा, उनका हक छीनकर बिहार के युवा को पलायन करने के लिए हम लोगों ने मजबूर किया। कौन सा मॉडल दिखाएंगे विकास का कि भैया देश की जनता बोले कि हाँ बिहार में इतना काम हुआ अब देश में काम होगा। हकीकत है मुख्यमंत्री जी का चैप्टर 2024 में पूरी तरीके से क्लोज होने वाला है, आखिरी पन्ने वो पलट रहे हैं, एक दो पन्ने जो बाकी हैं 24 तक वो भी सिमट के चैप्टर क्लोज, बुक बंद। पर वो भी तो अब धीरे धीरे अपने चाचा की संगति में आकर पलट ही रहे हैं भैया। उन्होंने भी तो कह दिया कि मैं तो अभी उप मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री बनूंगा तब दूंगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हर नीतियों में रहते हैं भैया, खासतौर पर जिस सरकार का नेतृत्व तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करें, वो किसी भी नीति का गठन करें तो TNC नीचे जरूर पढ़ लें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। मिलना कुछ नहीं है, घोषणाएं सब की हैं भैया। आज की तारीख में हकीकत है क्रेडिबिलिटी सब खो चुके हैं। क्या कुछ नहीं कहा था मेरे छोटे भाई ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, पर आज उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई, किसके लिए बनाई भैया, बिहार के विकास के लिए तो नहीं ना। ये मुख्यमंत्री कम से कम विकास का मॉडल तो नहीं है, विकास का प्रतीक तो नहीं है ना, पर आज उनके साथ मिलकर सरकार बनाई सत्ता में आने के लिए ना। मुख्यमंत्री जी ने पाला बदला क्यों, कोई बिहार में विकास का कार्य रुका हुआ था और वो महागठबंधन के साथ ही पूरा होना था, इसके लिए तो नहीं ना। मुख्यमंत्री ने सिर्फ अपने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए और 2024 की बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए ही उन्होंने पाला बदला। तो भैया जिस सरकार में नेताओं की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहे, क्या कुछ नहीं बोले थे मुख्यमंत्री, तेजस्वी को ही कितना सुनाए थे विधानसभा में खड़े होकर, भाजपा को भी गाली दिए थे, भाजपा के साथ जाकर मिलकर सरकार बना ली, तो जहां पे क्रेडिबिलिटी नहीं। और भैया 2 दशक होने को आया है इनको मुख्यमंत्री बने बिहार का, आज भी बिहार में बच्चे बच्चियों को आत्मनिर्भर होकर खड़े होना पड़ रहा है, सरकार की तरफ से कोई सहूलियत तो नहीं मिली ना, सरकार ने तो इनके लिए कुछ नहीं किया। आज यही बच्चे जब बढ़ लिख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो सब गिनाएंगे कि भैया ये हमारे प्रदेश का है। जब तक हमारे प्रदेश का कोई मेडल लेकर नहीं आता, किसी खिलाड़ी को हमारा प्रदेश पूछता नहीं है। हरियाणा जैसा छोटा राज्य खिलाड़ियों को इतना प्रमोट करता है, हमारे खिलाड़ी बिना किसी सुविधा के दिन रात मेहनत करते हैं, कोई मेडल ले आए अरे बिहार का है बिहार का है, सम्मानित करते नहीं थकेंगे, पर जब वो संघर्ष कर रहा था कौन पूछ रहा उन खिलाड़ियों को, कौन पूछ रहा है इन लड़कियों को आज की तारीख में। पर यही कल को जब आत्मनिर्भर हो जाएंगी, जब इनका एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज मॉडल तैयार हो जाएगा आत्मनिर्भर चाय वाली, तो यही मुख्यमंत्री बोलेंगे हमारे समय में इन्होंने मॉडल तैयार किया था। पर आज जब ये तैयार कर रही हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि भैया आके प्रोत्साहित करें, या तमाम वैसी लड़कियां तमाम वैसे लड़के जो आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं उनको प्रमोट करने का काम करें। अगर तिरंगा लगाने के लिए हर एक के पास घर होना भी चाहिए, ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी सरकारों की ही है कि जब आप हर घर तिरंगे की बात करते हैं तो हर एक के पास घर हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। चिराग जी, 2020 के चुनाव में आप पीएम मोदी के हनुमान बताते थे, जिस तरीके से बिहार में सियासी रूपरेखा बदली है, क्या भाजपा के साथ आगे चिराग रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि ये जनता सवाल पूछ रही है, मेरा सवाल नहीं है, जनता कह रही है यदि चिराग पास भाई अभी क्या करना है किसी के साथ जाकर, क्या करना है अभी, कोई चुनाव थोड़ी है, क्या करना अभी किसी के साथ जाकर। भाजपा को इतने समय तक तो हम समझाते रहे
कि भैया जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं वो आपको धोखा देंगे। इतने समय में तो भाजपा हमारी बात समझी नहीं थी, आज जब वो धोखा खाए हैं तो शायद अब उनको कुछ समझ में आएगा। पर हकीकत है, हम कोई जल्दबाजी में नहीं है भैया किसी गठबंधन में जाएं।